विलुप्त हो जाना, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रजाति के पूरे जीव का खो जाना या कहें खत्म हो जाना। आपको बता दें, अब तक हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीवों की प्रजातियां ने जन्म ली हैं, उनमें से 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिनकी संख्या करीब 5 अरब से अधिक है। इनके विलुप्त होने के मुख्य कारण थे क्षुद्र ग्रह हमला यानी कि एस्ट्रॉइड अटैक, जलवायु परिवर्तन, बीमारियां और भी कई कारण हैं। खैर, ये अलग टॉपिक हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं उन दैत्यकार जीवों के बारे में जो अगर धरती पर रहते तो इंसानों का नामो निशान नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकज और आप देख रहे हैं मूव टू नो, जो कि आपके लिए हमेशा कुछ रहस्यमय, अद्भुत और अविश्वसनीय जानकारियां लाता रहता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1, टाइटेनोबोआ या सांप हमारी धरती का अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जीव था। दोस्तों, किसी भी प्रजाति के उस जीव के सामने लगाया जाता है जो अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव होता है। टाइटेनोबोआ सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा सांप था। यह सांप इतना खतरनाक था कि यह डायनासोर को भी मार सकता था। इनकी लंबाई लगभग 45 से 50 फीट जितनी बड़ी हुआ करती थी और इनका वजन लगभग 1 टन से 1.5 टन का हुआ करता था। और जहाँ आज कोलम्बिया है, वहाँ यह सांप 6 करोड़ साल पहले राज किया करते थे। आज जो हम एनाकोंडा देखते हैं, ये सांप उससे भी बड़ा और खतरनाक था। इतना ही नहीं, जिस मगरमच्छ को देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ये सांप बड़े मजे से इनका शिकार कर इन्हें खा जाते थे। नंबर 2, मेगलोडन। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस नाम से परिचित ना हो। मेगलोडन अब तक की सबसे बड़ी शार्क मछली थी। यह आज से 2 करोड़ से लेकर 36 लाख साल पहले पाई जाती थी। आपको बता दें, मेगलोडन का हिंदी में अर्थ होता है बड़ा दांत, और ये अपने जबड़े से 1,08,000 से लेकर 18,21,000 न्यूटन तक का बल पैदा करने में सक्षम थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मछली आज के हाथियों से 8 गुने वजन की थी। इसकी वजन की बात करें तो वह था 65,000 केजी। इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं, और काफी लोगों का यह भी मानना है कि आज के समुद्र की सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच में यह आज भी जिंदा हो सकती है। ये शार्क मछली अपने से छोटे जीवों को मारकर खाती थी। नंबर 3, शाकोसुकस। ये मगरमच्छ आज के मगरमच्छों की तुलना में कई गुना अधिक भारी और बड़े थे। इनकी लंबाई 10 से 40 फीट के आसपास हुआ करती थी और इनका वजन 4 टन से भी अधिक हुआ करता था। इन विशालकाय मगरमच्छ की आंखें दूरबीन जैसे होती थी और वो रात में भी अपने शिकार को आसानी से देख सकते थे। इनके पास कुल 132 दांत हुआ करते थे। माना जाता है कि ये अपने विशालकाय जबड़े से दबाकर इंसानों की 100 से ज्यादा हड्डियों को एक साथ तोड़ सकते थे। ये अपने छोटे उम्र में मछलियों का शिकार करते थे, लेकिन जब बड़े हो जाते थे तो खतरनाक और विशालकाय डायनासोर को भी शिकार बना लेते थे। ये विशालकाय जीव उत्तरी अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे, जो आज सहारा रेगिस्तान में बदल चुका है। नंबर 4, मोसासोर। मोसासोर से एक मांसाहारी और समुद्री जीव था। ये जानवर आज से 7 करोड़ से लेकर 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। यह जानवर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और न्यूजीलैंड के समुद्री तटों के आसपास पाया जाता था। यह अपने से छोटे जानवरों को खाकर बहुत ही बड़े हो जाते थे। यह जानवर 40 से लेकर 50 फीट तक के लंबे हो सकते थे और इनका वजन 15,000 से लेकर 20,000 किलो तक का हुआ करता था। यह बहुत ही तेजी से तैर सकते थे और इसी वजह से समुद्र के जानवरों को पकड़कर खा जाते थे। इनकी कंकाल की खोज 1764 के न्यूजीलैंड में हुई थी। इससे पहले इसे एक शार्क माना जाता था, लेकिन बाद में 2003 में पता चला कि यह अलग ही प्रकार का जीव है। इनकी बाइट फोर्स यानी कि काटने का बल 11,000 पाउंड प्रति इंच हुआ करता था, जो कि इसे एक खतरनाक जीव के साथ साथ एक कुख्यात शिकारी बनाता था। नंबर 5, ड्रैकुलोस्टियस। ये मछली आज से लगभग 358 मिलियन से लेकर 342 मिलियन वर्ष पूर्व देवनीय काल के दौरान मौजूद थी। इस खतरनाक मछली की लंबाई 28 फीट से लेकर 36 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 4 टन के करीब होता था। ये मछली काफी धीमी लेकिन शक्तिशाली तैराक मानी जाती थी। ये मछली खासकर अपने से छोटी मछलियों का शिकार कर उन्हें ही खाती थी। नंबर 6, डिनोसॉर्स। डिनोसॉर्स में डिनो का मतलब ही होता है डरावना या भयानक। डिनोसॉर्स सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक था, जो कि कभी हमारे धरती पर रहता था।
जिनकी सिर से पूंछ तक की लंबाई 35 फीट तक होती थी और वजन करीब 5 से 10 टन के करीब होता था। इनकी बाइट फोर्स की बात करें तो वह 10,000 से लेकर 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच होती थी। यह मगरमच्छ तब तक सबसे बड़ा मगरमच्छ बना रहा जब तक दैत्यकार मगरमच्छ सोकुसुकस की खोज नहीं हुई थी। ये मगरमच्छ हमारी धरती पर 75 मिलियन से लेकर 82 मिलियन साल पहले रहा करते थे। इनके जबड़े में इतनी ताकत हुआ करते थे कि ये डायनासोर को भी अपना शिकार बना सकते थे। नंबर 7 हेलिकोप्टेरियन, यह सार की तरह दिखने वाली एक प्राचीन मछली थी जो कि 20 फीट से 25 फीट तक की लंबी हो सकती थी। कहा जाता है कि इस खतरनाक मछली के दांत में एक बार शिकार फंसने के बाद उसका बच निकलना मुश्किल होता था। यह मछली धरती पर 270 मिलियन साल पहले रहा करती थी, जो कि छोटे समुद्री जीवों का शिकार कर उन्हें अपना भोजन बना लेती थी। इस मछली के जीवाश्म पहली बार 1899 में खोजे गए थे। हेलिकोप्टेरियन के जीवाश्म दुनिया भर में पाए गए हैं, जिनमें से 25% तो सिर्फ रूस के यूरियल पर्वत में पाए गए हैं। इसके काटने का बल लगभग 1192 से लेकर 2391 न्यूटन के बीच होता था। नंबर 8 लियोप्लेरोडॉन, या जुरासिक काल का एक खतरनाक जानवर था जो पानी में रहता था। यह जानवर 20 से 24 फीट लंबा हुआ करता था। वही माना जाता है कि ये धरती पर लगभग 150 मिलियन साल पहले रहते थे। इस जीव के जीवाश्म पहली बार 1841 में खोजा गया था। लियोप्लेरोडॉन के जीवाश्म मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस में पाए गए हैं। आपको बता दें कि इस 20 से 24 फीट के जीव का वजन 1 से 1.5 टन का होता था। लियोप्लेरोडॉन पहली बार 1999 में जनता के ध्यान में आया जब इसे बीबीसी टेलीविजन श्रृंखला वॉकिंग विद डायनासोर के एक एपिसोड में दिखाया गया था, जिसमें इसे एक विशाल 82 फीट लंबा और 150 टन वजनीय शिकारी के रूप में दर्शाया गया था। वैसे इसके आकार का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि इसके शरीर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों को जीवाश्म के तौर पर सिर्फ इसका सिर मिला है। इससे इसका अनुमान लगाकर इसके शरीर की संरचना के बारे में बताया जाता है। नंबर 9 पैलोग्रिनस सैंड्रसी, यह खौफनाक जीव प्राचीन काल का एक विशाल पक्षी है जो 24 फीट लंबा हुआ करती थी। इसके पंख बड़े और चौड़े हुआ करते थे। माना जाता है कि यह पक्षी 25 मिलियन साल पहले धरती पर रहती थी। इसके जीवाश्म को सबसे पहले दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन के नज़दीक 1983 में देखा गया था। वैज्ञानिकों की माने तो यह धरती पर अब तक का सबसे बड़ा पक्षी है जो डायनासोर के खत्म होने के बाद लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति से बहुत पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 10 एडिस्टिस, यह 20 फीट लंबी शार्क की एक प्रजाति थी। इसे सिसर टूथ शार्क के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यह अपने शिकार को बुरी तरह मारकर खाया करती थी। वहीं कहा जाता है कि यह धरती पर 300 मिलियन साल पहले रहा करती थी। इसके जीवाश्म को सबसे पहले जोस लेडी ने 1856 को खोजा था। इस जीव के पास 20 सेब के दांत होते थे जो इसे एक खूंखार शिकारी बनाते थे। नंबर 11 ट्राइडाइनोसोरस, करोड़ों साल पहले धरती पर दानों आकार के डायनासोर पाए जाते थे। इनमें कुछ शाकाहारी और आहारी जबकि कुछ बड़े और खतरनाक होते थे। इनमें ट्राइडाइनोसोर को डायनासोर का राजा माना जाता था। इसके जबड़े में खास तरह की नसें होती थी जिससे ये अपने शिकार के अलग अलग हिस्सों को पहचान सकते थे और उसे अलग तरीके से खा सकते थे। ट्राइडाइनोसोर का होता है चिपकली। इनके अवशेषों से पता चलता है कि यह 8 से 55 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। यह उन आखिरी डायनासोर की प्रजातियों में से थे जो क्रिस्टल पैलोजी विरुद्ध घटना में उनका पिंड के टकराव के कारण विलुप्त हो गए थे। अपनी प्रजाति के अन्य जीवों की तरह ट्राइडाइनोसोर दो पैरों पर चलने वाले मांसाहारी थे जिसका विशाल सर उसकी लंबी पूंछ बैलेंस करती थी। उसके आगे के दूसरे डायनासोर की तुलना में काफी छोटे थे परंतु अपने आकार की तुलना में काफी ताकतवर भी थे। इनकी लंबाई करीब 42 फीट और वजन 3.6 मीटर था। नंबर 12 ऑटोप्लेरा, जो गोचर प्राचीन काल का समुद्री बिच्छू था। ऑटोप्लेरा का जीवन सबसे पहले जनवरी 2018 में पाया गया था। धरती का सबसे बड़ा कठपुतला या गोचर था जो 25 करोड़ 60 लाख साल पहले हमारे धरती पर रहते थे। इनकी लंबाई करीब 8 से 10 फीट तक की होती थी। शोध से पता चला है कि ये कठपुतले समुद्र तट के पास लकड़ी के इलाकों में बड़ी तादाद में रहते थे। इन विशाल गाय गोचरों के पास करीब 64 पैर हुआ करते थे। नंबर 13 टेरर बार्ड, ये
विशालकाय पक्षी 3 से 10 फीट तक के लंबे होते थे, लेकिन ये उड़ नहीं सकते थे। इतने बड़े होने के साथ साथ ये मांसाहारी और काफी खूंखार शिकारी दिखते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बड़े आतंकी पक्षी बेहद फुर्तीले और तेज दौड़ने वाले होते थे, जो कि 48 किलोमीटर पर हावर की गति से दौड़ने में सक्षम थे। इतने तेज धावक के साथ साथ उनके पास नुकीले चोंच, एक शक्तिशाली गर्दन और नुकीले पंजे थे। हालांकि इन विशेषताओं के बावजूद अक्सर यह माना जाता है कि ये जीव अपेक्षाकृत छोटे जानवर जैसे खरगोशों के आकारों के जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि ये अपने चोंच से अधिक बल नहीं लगा सकते थे। नंबर 14 कैपासुचस। कैपासुचस महाजंगासुरस परिवार का एक सदस्य है। कैपासुचस में कैपास का मतलब होता है सुअर, सुअर का मतलब होता है मगरमच्छ। इनके नाम को अगर हिंदी में बोला जाए तो वह होता है सुअर मगरमच्छ, क्योंकि इनकी खोपड़ी तो मगरमच्छ जैसी होती थी, मगर इनके दांत सुअर जैसे होते थे। इस जीव को पहली बार 2009 में खोजा गया। इनकी पूरी लंबाई का अनुमान 15 से 20 फीट का होने का लगाया जाता है। करीब 2.5 मिलियन साल से लेकर 10,000 साल पहले पाए जाते थे। या देखने में बिल्कुल बाघ जैसे तो दिखते थे, लेकिन बाघ के परिवार के नहीं थे, क्योंकि बाघ पैंथर टाइगर परिवार के सदस्य होते हैं। इस दैत्यकार जीव की मजबूत दांतों की लंबाई करीब 12 इंच यानी 1 फीट होती थी, जिससे या किसी भी विशाल हाथी, जंगली भैंसा, घोड़ा सहित सभी तरह के जंगली जानवर अपने भोजन में शामिल कर लेते थे। दांतों के साथ साथ इनके पंजों के नुकीले दांत भी बहुत बड़े बड़े होते थे, जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते थे। कोई कमी नहीं है, उसको काम कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।